Hi everyone, you're watching My 11 Circle Fantasy Pick on ESPN Cricket for आज बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जो खेला जाएगा शारजा में। उस मैच के लिए आपको अपनी फैंटेसी टीम में किसे चुनना है उसके बारे में थोड़ी सी मदद करेंगे हमारे एक्सपर्ट अजीत आगरकर और दीपा गुप्ता। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले हम जो मेहनत करते हैं उसका थोड़ा फल तो आपको बता दें। प्रो टिप सुन लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक बोथ टॉप ऑर्डर्स टू डू द बल्क ऑफ द स्कोरिंग क्योंकि ये मैच खेला जाने वाला है बेस्ट विकेट टू बैट ऑन इन द टूर्नामेंट में। इंपॉर्टेंट प्रो टिप है, क्या हमारे एक्सपर्ट भी करते हैं अजीत? अगर पिच अच्छी हुई तो हमने देखा है शुरुआत में इस टूर्नामेंट के थोड़ी सी घास रह चुकी है पिच पे, सो समटाइम्स इट कैन बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, बट द मोस्ट रन्स इन टी20 क्रिकेट जनरली आर स्कोर्ड बाय द टॉप बैट्समैन, सो यू वुड वांट टू बैक सम ऑफ द गुड वंस दैट आर देयर एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। दीप, आर यू ऑन बोर्ड विद दिस प्रो टिप? एब्सोल्युटली, क्योंकि जैसे आपने कहा शारजा का जो पिच है वो बैटिंग के लिए बहुत अच्छा, पावर हिटिंग के लिए भी, सबसे ज्यादा छक्के भी इसी मैदान में लगते हैं इन तीनों वेन्यूज में से, सो या यू वुड बैक योर पावर हिटर्स एंड योर टॉप ऑर्डर बैट्समैन। बट ऑल्सो जैसे अजीत ने कहा कि यू माइट सी अ लिटिल बिट ऑफ ग्रास ऑन दैट सर्फेस, तो जहां पे थोड़ी सी मदद शुरुआत में मिल सकती है तेज गेंदबाजों को। थोड़ी सी मदद हमारे प्लेयर्स की भी कर ले भाई, ये तो पता कर ले कौन अवेलेबल है कौन नहीं है। जॉस बटलर रॉयल्स के विकेट कीपर बैट्समैन नहीं खेलेंगे बिकॉज ही इज इन क्वारंटीन, अभी अभी इंग्लैंड से आए हैं फैमिली के साथ है, अभी अवेलेबल नहीं है तो उनसे दूर रहे। स्टीवन फ्लेमिंग ने यह भी कहा कि ड्वेन ब्रावो इस मुकाबले में भी नहीं खेल पाएंगे, ओपनिंग गेम नहीं खेले थे। और ऋतुराज गायकवाड हैज टेस्टेड नेगेटिव, हैज जॉइंट ट्रेनिंग एंड इज अवेलेबल फॉर सिलेक्शन। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले रूल्स पर नजर डाल ले, याद रहे एवरी यूजर ऑन माई 11 सर्कल हैज 100 क्रेडिट अवेलेबल टू फॉर्म द टीम। Every player has been assigned individual credit values and you can pick players from four categories: batsmen, all-rounders, wicketkeepers, bowlers, with a maximum of 7 players from one particular team allowed. Aisa nahi ki agar Dhoni pasand to sare 11 ke 11 Chennai se, and you can get 4 substitutes to choose from as well. Humne jo khiladi chune hain unme se captain or vice captain kaun hai? Former Royal star Shane Watson बेस्ट बैटिंग विकेट पर खेलेंगे और रॉयल्स के खिलाफ इनका एवरेज 39.5 स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर का, तो इन्हें हमने कैप्टन चुना है। और वाइस कैप्टन के लिए संजू सैमसन विकेटकीपर बैट्समैन सेकंड हाईएस्ट रन गेटर, लास्ट सीजन 342 रन इन्होंने बनाए थे, तकरीबन 149 का स्ट्राइक रेट, और बटलर की एब्सेंस में इन पर जिम्मेदारी काफी है। और बाकी अगर हम पिक्स की बात करें तो हमारे टॉप पिक्स में अंबाती रायडू मल्टी डायमेंशनल क्रिकेटर है, जॉफ्रा आज ट्विटर प्रिडिक्टर अच्छे हैं लेकिन वी प्रिडिक्ट ही विल डू रियली वेल, और सैम करन पिछले मुकाबले में 2D क्रिकेटर साबित हुए, he was sent off the order by Dhoni to finish the last game as well. तो ये हमारे टॉप 5 पिक्स हैं, शेन वॉटसन और संजू सैमसन रॉयल से, जॉफ्रा आर्चर रॉयल से और CSK से रायडू और सैम करन। दीप, आर यू हैप्पी विद दिस टॉप 5 और वुड यू मेक अ चेंज? नहीं, टॉप 5 अच्छा ही है, जैसे आपने कहा कि क्योंकि ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि जैसे आपने कहा कि जॉस बटलर अवेलेबल नहीं है, ब्रावो अवेलेबल नहीं है, तो उस हिसाब से अगर सोचा जाए तो आपने जो टॉप 5 का, आई एम गोना गो विद दैट। रायडू अच्छे फॉर्म में है और सिर्फ रन नहीं बनाए, जिस तरीके से रन बनाए हैं ऑन अ सर्फेस जो थोड़ा सा चैलेंजिंग था, तो आई थिंक आई एम गोना बेट ऑन रायडू। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं जडेजा जो है वो भी बहुत ही अच्छे लय में दिखे हैं पिछले 1-1.5 साल से, बॉल के साथ और बैट के साथ, तो ये 2-3 चीजें हैं। अभी तो हमारी पूरी 11 रिवील करना बाकी है, लेकिन अजीत ऑन करंट फॉर्म ऑन पेडिग्री ऑन पास्ट रिकॉर्ड्स, यू ओके विद द टॉप 5? या मोस्ट ऑफ देम, आई थिंक द ओनली क्वेश्चन मार्क और इफ एनी इज अ लिटिल बिट, एंड आई कांट बिलीव आई एम सेइंग इट बिकॉज़ ही हैज बीन सो गुड इन द आईपीएल, शेन वॉटसन एट दिस पॉइंट इज, यू नो वी नो हाउ एक्सप्लोसिव ही कैन बी, बट जो एक बार आपकी जब उभर हो जाती है और आप कंसिस्टेंटली क्रिकेट नहीं खेलते तो शायद आपको थोड़ा समय लग जाता है टू गेट बैक इनटू फॉर्म। He got a low score in the first game, so it'll be interesting to see. It's one of those picks where you want to gamble on because if he does well, we know how explosive he can be and he can get big runs. So that's the only question mark I have. The rest of the guys, I think, pick themselves. I think Jofra Archer, we've seen what a great white ball bowler he already has become in the world, and Raidu had such a phenomenal innings the other day. So yeah, the other picks are really good. Only a little bit of a question mark on Watson, but I think it's worth a gamble with a player like him. Return or investment काफी crucial है और इसलिए हमने दो differential players चुने हैं जो affordable भी है लेकिन they can bring you a massive windfall. Rajasthan Royals के Rehan Parag Delhi Capitals के खिलाफ last year उन्होंने half century लगाई थी, mystery spin भी करते हैं, शायद number 6 पर बल्लेबाजी करेंगे और उनके अलावा जयदेव उनाडकट
पिछले दो सीजन अच्छे नहीं रहे उनके, लेकिन शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कमाल की परफॉर्मेंस, 12 विकेट ली, और ऐसा लग रहा है कि इन विकेटों पर वो क्रूशियल साबित हो सकते हैं। तो हमारे डिफरेंशियल प्लेयर्स रायन पराग और जयदेव उनाडकट। लेकिन अगर हमारे पूरे 11 की बात करें जो हम रेकमेंड कर रहे हैं, अगर आप नजर डालें दीप और अजीत, संजू सैमसन बैट्समैन में, राइडू स्मिथ, पराग, वॉटसन, डुप्लेसी, सैम करन इकलौते इन फॉर्म ऑलराउंडर, और बोलिंग ग्रुप है जिसमें है लुंगी एंगेली, जोफ्रा आर्चर, जयदेव उनाडकट, पेस बोलर्स और इकलौते स्पिनर क्यूचाला। सब्स्टिट्यूट्स में श्रेयस गोपाल, रविंद्र जाडेजा अच्छा किया था पहले मुकाबले में, रॉबिन उत्तपा सब्स्टिट्यूट में और दीपक चाहर। गाइज, विल यू सजेस्ट एनी ट्वीक्स और चेंजेस टू आवर 11? नो, नॉट फॉर मी। आई थिंक लुक्स प्रीटी गुड, प्रीटी स्पॉट ऑन रियली। यू हैव टेकन ऑल द guys who are expected to perform and who have the responsibility to perform. Sanju Samson will be a big one because khas karke Josh Butler nahi hai to unpe responsibility badhti hai. Ab bahut saal se IPL khel rahe to you expect, he always had some really cracking innings every IPL. You just hope that he has a big season this year. So he'll be an important player for Rajasthan Royals. So as far as the 11 looks pretty solid. Maybe on board as well. मैं एक आधा थोड़ा सा ऐड करना ये चाहूंगा। एक तो मैं जायसवाल का, जैसे मैंने कहा, मुझे काफी अच्छे लगते हैं वो बल्लेबाज, वो आप सोच सकते हैं क्योंकि क्रेडिट पॉइंट्स भी उतने खास कुछ होंगे नहीं। साथ में फैफ जो है उनके बारे में भी सोच सकते हैं क्योंकि काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पिछले मैच में उन्होंने भी बल्लेबाजी की थी और उनके ऊपर रहेगा वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रहेगा क्योंकि सुरेश रैना नहीं है और तो वो बैटिंग थोड़ा सा वीक है लेकिन मुझे लगता है कि वो भी अच्छे लय में दिखें। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक आई एम हैप्पी टू गो विद द नेम्स यू हैव मेंशनड। राइट, यू सॉ आवर 11, यू हर्ड फ्रॉम आवर एक्सपर्ट्स। सही सोचिए, समझिए और फिर चुनिए, क्योंकि अगर आप सही चुनेंगे तो आपके साथ वो हो सकता है जो हमारे वीकली विनर के साथ हुआ, दर्शन बिस्ट, ऑल द वे फ्रॉम यूके, उत्तराखंड, क्योंकि उन्होंने जो टीम चुनी थी उस मुकाबले के लिए जो खेला गया किंग्स 11 और दिल्ली के बीच, ही चोज ऑल दोस प्लेयर्स हु वर इन द न्यूज, स्पेशली टॉयस हु गेव हिम ग्रेट रिटर्न्स। दीप एंड अजीत, what do you make of this guy, the kind of 11 he's picked? Marcus Stoinis, Mayank Agarwal, Chris Jordan bhi the, lekin phir bhi mamla aisa raha ki unhone 423 point hasil kiye apne My 11 Circle app par apni team ke sath. देखिए, मैं यही कहूंगा कि बहुत अच्छा उन्होंने टीम चुना है एंड कंग्रेचुलेशंस टू हिम। यू गॉट बी अ लिटिल केयरफुल पिकिंग योर फैंटेसी 11s क्योंकि थोड़ा फैंटेसी 11 जो टीम आप बनाते हो थोड़ा सा अलग होता है कि थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि पॉइंट्स कौन आके आपको लाके देगा एंड क्रेडिट टू हिम एंड कंग्रेचुलेशंस आल्सो। And who knows, maybe he'll feature on the winners list a lot more. And all you guys, get cracking, get your teams. We've given you insights, we've given you who to pick, who you can steer clear of. Our experts have validated it as well. That's it for now. Thank you, Ajit. And thank you, DDG. That's it for now on My 11 Circle Fantasy Pick on ESPN Cricket.